अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सुमेरास टेस्टी किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में खोए वाली सेवइयां बन रही हैं, जो कि बहुत ही मज़े की बनती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आधा कप देसी घी लिया है। आप चाहें तो आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन ये देसी घी में बहुत मज़े की बनती हैं। जब हमारा घी मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें 4 या 5 छोटी सब्ज़ इलायचियाँ तोड़ कर डालेंगे और इलायचियों को घी में कड़कड़ाएंगे ताकि बहुत अच्छी सी खुशबू आए। 1 से 2 मिनट के बाद हम इसमें सेवइयां डाल देंगे, जो कि हमने थोड़ी बारीक कर ली हैं। लंबी सेवइयां नहीं डालेंगे, उनको थोड़ा तोड़ लेंगे अच्छी तरह। और सेवइयों को हम 1 से 2 मिनट के लिए घी में भून लेंगे। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे तो हम इसमें 1 कप चीनी शामिल कर देंगे। आप चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप इसको अपने टेस्ट के हिसाब से मैनेज कर लें। चीनी डालने के बाद हम इसमें 3 कप दूध डालेंगे। आप चाहें तो आप दूध की जगह पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको दूध में बनाया है। फ्लेम हमारा मीडियम है और हम सेवइयां मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। और इसको जब तक पकाएंगे तब तक हमारा दूध खुश्क ना हो जाए। और इसको मोस्टली 10 से 11 मिनट लगेंगे और चम्मच हम मुसलसल चलाते रहेंगे। ये देखिए, हमारी सेवइयों में दूध आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाल देंगे। अगर आपके पास है तो आप डाल दें, वरना ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ज़ाफ़रान डालने से इसमें एक बहुत अच्छी सी खुशबू और बहुत अच्छा सा कलर आएगा और हमारी सेवइयों में आहिस्ता आहिस्ता दूध कम हो रहा है। ये देखें, दूध काफ़ी हद तक इसमें कम हो गया है और हमने इसको बिल्कुल खुश्क करना है। अब इसको हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट और लगेंगे और हमारी सेवइयों में दूध बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और ये सेवइयां बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और ये सेवइयां हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। और आप इसको फ्रिज में नहीं रखें, इसको गर्म गर्म ही सर्व करें। अब एक बाउल लेंगे, उसमें नीचे पहले सेवइयों की एक लेयर लगाएंगे और उसकी एक लेयर हम खोए की लगाएंगे। खोए की लेयर लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर दोबारा सेवइयां डालेंगे जो बाकी बची हुई हैं, और इसके ऊपर हम दोबारा एक लेयर खोए की लगा देंगे। आप चाहें तो आप ये एक ही दफ़ा सेवइयां डालकर उसके ऊपर लास्ट में खोया डाल सकते हैं। और ये हमारी खोए की लास्ट लेयर लग रही है। खोया डालने के बाद हम इसके ऊपर बादाम से गार्निश कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसमें पिस्ता और दूसरे नट्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने बादाम इस्तेमाल किए हैं। आप इसमें पिस्ता और दूसरे नट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमारी बहुत ही मज़े की और यम्मी खोए वाली सेवइयां रेडी हो चुकी हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और ये देखें, अब मैं इसको आपको सर्विंग दिखाती हूँ कि आप इसने इसको कैसे सर्व करना है। और ये हमारी खोए वाली सेवइयां बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।